नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने हेल्थ चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गर्मियों का मौसम आ चुका है और बाजार में फलों का राजा आम भी बिकना शुरू हो चुका है। आम भला किसे पसंद नहीं होता। इसे अनेक तरीकों से प्रयोग किया जाता है, परंतु बहुत से हेल्थ कॉन्शियस लोग अपने इस पसंदीदा फल को खाने से कतराते हैं, क्योंकि आम को लेकर यह धारणा बनी हुई है कि ये वजन बढ़ाता है। परंतु आप शायद यह जानकर हैरान हो सकते हैं कि वजन कम करने में फलों का राजा आम हमारी बहुत मदद करता है। बस आपको इस फल को खाने का सही तरीका और समय का पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि आम वजन कम करने में किस प्रकार आपकी मदद करेगा। दोस्तों, आम में जीरो फैट और जीरो कोलेस्ट्रॉल होता है। रिसर्च में पाया गया है कि ये फैट बर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है, ना कि फैट इंक्रीज करने में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आम में कितनी तरह के न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि वजन बढ़ने यानी मोटापे का एक मुख्य कारण अनियंत्रित कोलेस्ट्रॉल होता है। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जब शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बनने लगता है तो डायबिटीज और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। आम में विटामिन सी और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। आम खाने के बाद हमारा पेट बहुत भरा हुआ लगता है और हमें जल्दी भूख भी नहीं लगती है। आम में पाए जाने वाले एंजाइम्स प्रोटीन के ब्रेकडाउन में भी मदद करते हैं, जिससे खाना जल्दी पच जाता है। आम में ऐसे फाइटोकेमिकल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता है, विटामिन B6, विटामिन K, विटामिन E, मैग्नीशियम और पोटाशियम इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आम में एक तरह से फाइबर का भंडार होता है, ये आपके पाचन क्रिया को स्वस्थ रखता है और मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। यही कारण है कि आम का सेवन वजन घटाने में सहायक होता है। आम का दूध यानी मैंगो शेक, जिसे हर कोई पसंद करता है, आपके त्वचा में निखार लाने में बहुत सहायक है। आम खाने से त्वचा के रोम छिद्र खुलते हैं, जिससे मुहासे होने की समस्या कम हो जाती है। आम के छिलकों को घिसकर त्वचा पर लगाएं, ये आपकी त्वचा की फुंसियां, पिंपल्स, रिंकल्स को कम करने में मदद करता है। आम कैंसर से लड़ने में भी मदद करता है। इसमें विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और बायोकेमिकल्स पाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के कैंसर से लड़ने में सक्षम है। कब्ज को दूर करता है आम। इसमें पाए जाने वाले एंजाइम्स भोजन को पचाने में सहायता करते हैं और कब्ज तथा एसिडिटी से आपको दूर रखते हैं। याददाश्त बढ़ाता है आम। इसमें विटामिन बी पाया जाता है, जो आपके मस्तिष्क के सही कार्य करने के लिए अति आवश्यक है। आम में रिच मात्रा में आयरन होता है। इसमें पावरफुल और यूनिक एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज होने से बचाता है। जिन्हें अस्थमा होता है, उन लोगों के लिए मैंगो खाना बहुत अच्छा होता है। जिन्हें सीजनल एलर्जीज होती हैं, जिन्हें खांसी जुकाम रहता है, उनके लिए मैंगो बहुत लाभकारी होता है। हार्ट के लिए आम बहुत अच्छा होता है। किडनी स्टोन वालों के लिए आम बहुत बेनिफिशियल होता है। स्वीट और सार का जो कम्बिनेशन होता है, वो किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है। बॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है मैंगो। स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है मैंगो। आपकी बॉडी को एल्कलाइन करता है। इसमें विटामिन ए, के और ई होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आम कितनी मात्रा में और किस समय खाना चाहिए, जो आपके स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो। एक आम में 70 से 100 कैलोरीज होती हैं। समझने वाली बात यह है कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज खाएंगे तो नुकसान होगा ही, परंतु अगर आप पूरे दिन में एक आम खाते हैं तो आपकी सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बल्कि फायदे ही फायदे होंगे। अगर आप भरपेट लंच के साथ आम खा रहे हैं तो एक रोटी कम खाइए, ताकि कैलोरी बैलेंस हो जाए। वरना कोशिश करें कि आप आम को किसी भी मील के साथ ना लेकर स्नैक्स के रूप में लें। आम को एक आहार की तरह ना लेकर इसे एक सीमित मात्रा में खाएंगे तो आप मोटे कभी नहीं होंगे। सुबह या शाम के नाश्ते में एक आम खा सकते हैं, परंतु अगर आप खाने के साथ आम ले रहे हैं तो ये वजन बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। डोंट ईट इट एज ए डेजर्ट। अपने खाने के बाद इसे ना खाएं, क्योंकि इससे पूरे मील की कैलोरी बढ़ जाती है। अगर आपने इसे खाने के साथ ही खाना है तो अपने मील का कुछ पार्ट कम कर दें, जैसे एक चपाती या एक बाउल राइस अपने मील से निकाल दें, ताकि कैलोरी का बैलेंस बन जाए। वरना कोशिश करें आम को किसी भी मील के साथ ना लेकर एज ए स्नैक खाएं। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में मिलने वाले आम के विभिन्न वैरायटियों में से सबसे बेस्ट आम कौन सा होता है। सबसे बेस्ट आम दशहरी होता है, क्योंकि उसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है और डाइजेस्ट करने में इजी रहता है। परंतु इसका ये मतलब कतई नहीं है कि बाकी आम फायदेमंद नहीं होते। बाकी बड़े आम भी काफी अच्छे होते हैं। दे आर स्लाइटली लेस बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू दशहरी आम। कच्चा आम, जिसे अंबी बोला जाता है, बहुत इफेक्टिव होता है।
ये हीट स्ट्रोक को खत्म करने के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, परंतु इसे ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल ना करें। सुबह के नाश्ते में आप मैंगो ले सकते हैं, शाम के स्नैक्स में भी आप ले सकते हैं, परंतु आम लेने का सबसे बेस्ट टाइम इसे मॉर्निंग में लेने का है। आप डेली इसे खाइए, कोई वेट गेन नहीं होगा, वेट लॉस ही होगा, क्योंकि जो बेनिफिट्स आपको इससे मिलेंगे वो आपकी बॉडी में फैट को जमा होने ही नहीं देंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।